नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर हरियाणा के जींद से आ रही है। जींद में हुई महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। जो महापंचायत जींद में हुई उसमें तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। मतलब ये कि किसान बिल पर, कृषि बिल पर किसान झुकने को तैयार नहीं है। इसमें कानून वापसी, MSP, किसानों पर दर्ज केस वापसी की मांग की गई है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, और क्या क्या बातें हुई है इस महापंचायत में, क्योंकि शुरुआती जानकारी यही है कि जो प्रस्ताव है उसे किसानों ने खारिज कर दिया है। मतलब ये कि जो तीनों कृषि कानून है उसकी वापसी पर किसान अड़े हुए हैं, और क्या बातचीत हुई है? बिल्कुल मृत्युंजय, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो आज जींद में किसान महापंचायत हुई है उसमें 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। और उस प्रस्ताव के पारित होने का सीधा मतलब यह है कि किसानों का रुख और कड़ा हो गया है और ये आंदोलन आने वाले दिनों में नर्म होता नहीं दिख रहा है। जो 5 प्रस्ताव पर इस वक्त किसान राजी हुए हैं उसमें सबसे पहली और बड़ी बात यही है कि तीनों कृषि कानून वापिस करने को लेकर के सभी किसान एक साथ उन्होंने हाथ उठा करके इसका समर्थन किया है। दूसरी बात यह है कि कर्ज माफी को लेकर के ये भी प्रस्ताव पास किया गया कि किसानों पर जो मौजूदा कर्ज है इसको माफ किया जाए। MSP को लेकर के कानून बनाया जाए, ये भी प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी लागू करने की बात इस महापंचायत में की गई, जिसको पारित कर दिया गया है। एक और अहम प्रस्ताव जिसको आज जींद की महापंचायत में पारित किया गया वो ये था कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई और साथ ही जो ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं इसको भी रिहा करने की बात की गई है। तो ये 5 बड़े प्रस्ताव हैं जिस पर जींद में जो महापंचायत हुई कंडेला इलाके में उसमें इस पर सहमति बनी है। और ये साफ दर्शाता है कि आने वाले दिनों में ये जो इस वक्त आंदोलन चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का, वो और तीखा या तीव्र होने जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ना केवल किसानों की तरफ से बल्कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी आज खुलकर हमला बोला गया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कमान संभाली और राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार को कृषि कानून वापस ही करना होगा, जबकि आम आदमी पार्टी भी लगातार सरकार को घेरने के लिए अपनी तरफ से बयानबाजी कर रही है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त कैसा माहौल है। आप देखें तो लगातार यहाँ पर किसान डटे हुए हैं और अलग अलग जरियों से उनमें जोश बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि जींद की महापंचायत में आज जब प्रस्ताव पारित हुए तो सभी किसानों में एक साथ जोश जागा और अभी तक जो माहौल असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसमें चूंकि काफ़ी सफाई आ गई है कि महापंचायत चाहे वो रोहतक हो, जींद हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जितनी महापंचायत हो रही हैं सभी एक सुर में साथ आए हैं और यही बात कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं इसको वापस लिया जाए। उसके बाद आप देखें तो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर जो कि केंद्र बना हुआ है पूरे आंदोलन का, वहाँ पर किसानों में और समर्थकों में जोश है और ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आज एक अहम घटनाक्रम रही, क्योंकि आपको पता है मृत्युंजय कि कल जिस तरीके से फेमस सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया और कृषि कानून को लेकर के और मौजूदा आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से रिहाना ने या फिर ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया उसको लेकर के सरकार ने बेहद सख्त लहजे में एक संदेश जारी करके कहा है कि जब तक तथ्यों का पता ना हो तब तक इस तरीके से आप ना तो ट्वीट करें ना माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। सरकार ने कहा है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों और किसानों के बीच की बात है, वो इसको सुलझाने में सक्षम है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से देश के खिलाफ और कोई माहौल बिगाड़ने में काम ना किया जाए। ट्विटर को सरकार ने अपनी तरफ से एक नोटिस जारी किया है और जो फार्मर जेनोसाइड को लेकर के जो लगातार ट्विटर अकाउंट है एक्टिव है उसको लेकर के सरकार ने नोटिस जारी किया कि इसको बंद किया जाए। तो कुल मिलाकर के काफी तेजी से घटनाक्रम हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल समीर मेरा आपसे और होगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और अहम डेवलपमेंट है इस पूरे मामले को लेकर। आपने कहा कि किसानों ने कुछ बड़े प्रस्ताव यहाँ पर पास किए हैं और अलग अलग मांगे की गई हैं MSP को लेकर, कानून वापसी को लेकर और जो लोग अभी पकड़े गए हैं 26 जनवरी को उनको छोड़ने को लेकर। ये तो एक पक्ष का मामला हो गया। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अब सरकार का नया रुख क्या होने वाला है, क्योंकि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, किसान झुकने को तैयार नहीं है, तो अब सरकार की तरफ से क्या होने वाला है इसको लेकर कोई जानकारी आपको मिल रही है?
मृत्युंजय, बहुत वाजिब सवाल आपका, वो इसलिए क्योंकि ये भी समझना होगा कि सरकार आखिर लगातार तीखे होते आंदोलन में उसका क्या स्टैंड है। देखिए, सरकार अपनी तरफ से लगातार एक बात कहने की कोशिश कर रही है कि ये ईगो की लड़ाई नहीं है, ये अहम का टकराव नहीं है, सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। और इसी दिशा में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये कहा गया कि वो एक फोन कॉल दूर है। संसद के भीतर भी कृषि मंत्री ने ये कहा कि चाहे वो संसद के भीतर चर्चा करना हो या संसद के बाहर वार्ता करनी हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार की तरफ से एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं कि वो कृषि कानून वापस करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहती है कि अगर कोई पेंच है जिसको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है तो उसके लिए वो तैयार है, वार्ता के लिए तैयार है। और वार्ता के लिए इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि जो महापंचायत, जो कृषि ये किसान यूनियन है, उनकी तरफ से अगर कोई तारीख दी जाती है, कोई समय दिया जाता है तो सरकार उस तारीख पर वार्ता के लिए तैयार है। और यही वजह है कि आप देखें तो पेंच या फिर जो स्थिति टकराव की बनी है वो यही है कि सरकार चाहती है कि वार्ता हो, ठीक है। जो किसान यूनियन है, जो तमाम समर्थक है पूरे आंदोलन के, वो चाहते हैं कि कृषि कानून वापस किए बिना बात आगे बढ़े, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। जी, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वहीं किसानों की महापंचायत के दौरान आज मंच टूट गया। मंच पर तय सीमा से ज्यादा लोग चढ़ गए थे जिसके बाद मंच ही टूट पड़ा, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इस दौरान राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे लेकिन सभी लोग संभले और राकेश टिकैत ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है।